अध्यापक पद पर कार्यरत हो, तो ये टीचर बनने का सपना ये आपके मन में कैसे आया? वैसे आप सरकारी नौकरी तो पहले से थे, वेटर की नौकरी भी करते थे सर, और उसके साथ में आपने अपनी जो तैयारी को कैसे जारी रखा, कैसे मैनेज करते थे आप रहे थे, और उसके साथ में आपका बिजली विभाग में चयन हो गया था सर? बिल्कुल, बिजली विभाग से पहले आप ऐसी कितनी भर्तियां थी जिनमें आप सफल हो चुके थे? एक बार कोई सगाई वाला आया और आपसे पूछा कि किस विभाग में नौकरी करते हैं, तो आपने बताया कि बिजली विभाग में, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कि बिजली विभाग में ये नौकरी कर रहे हैं तो हम अपनी लड़की नहीं देंगे, क्योंकि के बिजली विभाग में काम करने वाले का कोई भरोसा नहीं, कब करंट लग जाए और कब आदमी चला जाए। तो ये सच बात है सर क्या? किसी ने क्या खूब कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में साला होगा। अरे मेरे दोस्त, सफलता यूं ही नहीं मिलती, मेरे दोस्त सफलता यूं ही नहीं मिलती, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कवि व अध्यापक विजय डी गोयल, ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिलकर ज्ञान का दीप जलाएंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे, इसी मोटो के साथ हम इस चैनल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जो जितना संघर्ष करेगा वह उतना निखर के आएगा, तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने संघर्षों को पार करके, बाधाओं से लड़ के, भिड़ के आज वो एक अध्यापक की नौकरी पर कार्यरत हैं, वो एक अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं। बचपन में 6 महीने की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, उसके बाद में खुद अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने काम किया और अपने आप खर्चा खुद निकालते थे, और उसी खर्चे की बदौलत वह उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई है उसको जारी रखा, और आज हम सब के सामने एक उदाहरण के रूप में विराजमान है हमारे साथ में अध्यापक सीपी सिंह कड़ेला। तो नमस्कार सीपी सिंह जी। नमस्कार जी। दोस्तों, आज सीपी सिंह जी के जीवन का जो पूरा ओवरव्यू है कि उन्होंने कहाँ से तैयारी शुरू की, कौन कौन से विभाग में उन्होंने काम किया, और किस प्रकार से लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया, और उसके साथ में काम करने के साथ साथ में उन्होंने किस प्रकार से नौकरी की तैयारी की, ये पूरी जानकारी आज इस साक्षात्कार में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सीपी सिंह जी, सर्वप्रथम मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से हुई? जैसा कि आप जोधपुर से हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से हुई? मेरी स्कूली शिक्षा गांव में ही हुई थी। 12वीं तक मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ा था। 2014 में मेरी 12वीं हो गई थी। आप सरकारी विद्यालय में पढ़े अपने गांव में ही? तो मैंने सुना है कि जब आप 6 महीने के थे तो उस समय आपके पिताजी का देहांत हो जाता है, ये बात आपको कब पता चलती सर? ये बात तो जब मैं लगभग 5वीं 6वीं में पढ़ता था तब मुझे मम्मी ने बताई थी कि आपके पिताजी संसार में नहीं है, और जब आप 6 मंथ के थे तब गुजर गए थे। तो जैसा कि सीपी सिंह जैसा होता है ना कि पिता घर की सत होते हैं, ठीक है ना, बच्चे को लाड प्यार करते हैं जब घर में आते हैं, ठीक है ना, तो कभी आपको भी ऐसी कमी महसूस नहीं हुई कि यदि आखिर मेरे पिता भी होते तो अभी आते मेरे पास, मुझे गोदी में उठा लेते, कभी आपको ऐसा फील हुआ? ऐसा तो जिंदगी में बहुत फील हुआ, जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं ना तब पिता की याद बहुत आती है, कि एक पिता होता है जो जितनी भी अपनी जो समस्या होती है वो पिता हल कर देता है, तो ये समस्या मेरे जीवन में बहुत आई और कभी कभी रोना भी आ जाता था। बिल्कुल सही बात है सीपी सिंह जी, जैसा कि मैं जब छोटा था ना तो मैं, मेरे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती मैं दौड़ के पापा के पास में चला जाता था, और आज मेरा जो लड़का है वो दौड़ के मेरे पास आता है कि पापा ये समस्या है, क्योंकि इस दुनिया में हर बच्चे को अपने पिता पर यह विश्वास है कि बाकी किसी के पास में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या ना हो, लेकिन पिताजी के पास में ज़रूर होगा, और यही पिता की महानता होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि बचपन में आपके पिताजी चले जाते हैं तो याद आना लाजमी है। हम आगे बढ़ते हैं,
तो जैसे ही आपने स्कूली शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की और उसके बाद में सर आपका रुझान किस तरफ रहा, आपने क्या कदम उठाया? मैं 12वीं गांव में करने के बाद में जोधपुर शहर आ गया था और यहां आते ही मैंने सबसे पहले होटल में वेटर का काम शुरू किया था और साथ में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए शुरू किया था। रेगुलर स्टडी है मैंने शुरू की थी और साथ में मैं वेटर का काम भी करता था। सर मतलब आपने बीए रेगुलर की है और साथ में वेटर की नौकरी भी करते थे क्योंकि आपके पिताजी नहीं थे तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता था और आपकी माताजी भी मतलब कोई वर्क करती थी? माताजी तो जैसे नरेगा है और अपने छोटी मोटी मजदूरी है वो मम्मी भी करती थी और मम्मी को पेंशन भी मिलती है तो मुझे जरूर रुपए थोड़े बहुत भेजती थी। जी सर, तो उससे तो मतलब महज घर का खर्चा ही चलता होगा तो आपको तो आगे तैयारी करनी थी, आप शहर में रहा करते थे। तो मैं आपसे एक प्रश्न यह जानना चाहता हूँ कि आप वेटर की नौकरी भी करते थे सर और उसके साथ में आपने अपनी जो तैयारी को कैसे जारी रखा, कैसे मैनेज करते थे आप? मैं देखो सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले मैंने पटवारी की तैयारी शुरू की थी। मैं दिन को पढ़ाई करता था और शाम को 4-5 बजे होटल में नौकरी करना जाता था, वेटर का काम है, और रात को लगभग 12 बजे वहाँ से फ्री होता था और दिन में मैं थोड़ी बहुत स्टडी करता था और कॉलेज भी जाता था। अच्छा, इस प्रकार आप वेटर की नौकरी के साथ में मैनेज करते थे और आपने पटवारी की तैयारी आप साथ में किया करते थे। तो पटवारी में वैसे उस समय दो एग्जाम थे या एक था आपके, प्री और मेन? 2015 में पटवारी में दो एग्जाम थे, प्री और मेंस था। तो आपका मैंने सुना है कि प्री में सिलेक्शन हो गया था सर। हाँ, 2015 वाली भर्ती में मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया था और मैंने कोचिंग भी की थी प्री में सिलेक्शन होने के बाद में, और उसके बाद में गांव में ये सरसा जैसे अपन एक एग्जाम पास कर देते हो जाता है कि यार पटवारी बन गया, ऐसे ताने भी बहुत लोगों ने सुनाए थे, लेकिन फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि अनुभव का बहुत योगदान होता है, मुझे इतना अनुभव नहीं था, मेरा पहला एग्जाम था, लेकिन फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसा कि आपका फ्री में हो जाता है और मैन में नहीं हो पाता है तो जब आप गांव जाते थे तो लोग आपको मतलब उनका वो नेगेटिव से एक प्रकार नकारात्मक तरीके से वो आपको कहा करते थे कि पटवारी जी आ गए, पटवारी जी आ गए, ऐसा लोग बोला करते थे सर। हाँ, ऐसा लोग बोलते थे, आओ पटवारी साहब क्या हालबाल है, कब ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो। जब हम थोड़े से असफल हो जाते हैं तो लोग एक अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है ना हमारे हृदय पर चोट करने की कोशिश करते हैं। सर आगे मैं जानना चाहता हूं कि पटवारी की आप तैयारी तो कर रहे थे तो उसके बाद में आपने बीए किया, पटवारी की तैयारी के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने बीए भी किया? बीए मेरा 2017 में कंप्लीट हो गया था और मैंने एक साल वेटर की नौकरी की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया था, यानी ड्यूटी की थी मैंने लगभग 3 साल तक, और मेरी बीए कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद बीए कंप्लीट जैसे हुई मेरा जो पीटीटी का एग्ज़ाम था वो पीटीटी का एग्ज़ाम दिया और मेरा बीएड में नंबर आ गया था और मुझे जोधपुर की प्रथम कॉलेज मिल गई थी। अच्छा सर, आप मतलब बीएड करने के साथ साथ में जो आपका एटीएम गार्ड की नौकरी करते थे? हाँ, बीएड के साथ में भी मैं हमेशा जोधपुर आया तब से मतलब काम तो करता ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं केवल स्टडी करता, साथ में काम भी करना और पढ़ाई भी करता था, और मैंने 2 कोचिंग भी की थी और उसके बाद में अपने बीएड की रेगुलर पढ़ाई के साथ में मैंने ये सिक्योरिटी गार्ड का काम, और उसके बाद में मैंने इंडिया बुल्स कंपनी में भी काम किया था। तो सर आप मतलब फिर पढ़ाई को किस प्रकार से मैनेज कर पाते थे, जैसे आप एटीएम गार्ड पे वहाँ सर्विस कर रहे हो तो फिर पढ़ाई किस प्रकार से करते हो वहाँ? पढ़ाई को तो देखो कि ये होता है कि अपन 8 घंटे नींद लेते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करना और 8 घंटे है वो सोना है, तो ये मेरा नियम पहले से ही था और इसी हिसाब से मैं नींद हमेशा कम ही लेता था तो उसके साथ में मैं मैनेज कर लेता था। जी जी सही, बिल्कुल सही सर है कि हमें सफल होने के लिए तो रातों की नींद वो गंवानी पड़ती है, ठीक है ना, बिना रातों की नींद गंवाएं हम सफल नहीं हो सकते। तो जैसा कि आप बीएड कर रहे थे और उसके साथ में आपका बिजली विभाग में चयन हो गया था सर? बिल्कुल, जैसे ही मेरे 2018 में बिजली विभाग का एग्ज़ाम हुआ था
और मेरी बीएड चल रही थी और ज्वाइनिंग से पहले मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया था और मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और मेरा बिजली विभाग में सिलेक्शन हो गया था। सर आपका बिजली विभाग में वो आपका मतलब पहला सिलेक्शन था सर, पहला सिलेक्शन। तो उस दिन आपको सर कितनी खुशी थी, मतलब कि मेरा देखो कि मैंने इतने अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है ना। मतलब एक चीज और जानना चाहूंगा कि बिजली विभाग से पहले आप ऐसी कितनी भर्तियां थी जिनमें आप सफल हो चुके थे। बिजली विभाग से पहले लगभग मैंने 25 प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा दी थी लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली थी और आखिरी बिजली विभाग में पहली मेरे को सरकारी नौकरी मिली थी और उस समय मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। अच्छा सर, रात भर नींद नहीं। किसी को देखो के रात भले गम की हो या सुख की हो, दोनों सोने नहीं देती हैं, तो आपके लिए तो सुख की रात थी सर। हाँ बिल्कुल, सुख की रात थी कि मैं मेरे मन में चल रहे थे कब मेरी ज्वाइनिंग होगी, ये पूरे विचार है। लोगों के फोन आना ये लाजमी होता है कि जब हम सफल होते हैं तो सभी अपने पक्ष में हो जाते हैं। जैसे आपका बिजली विभाग में होता है तो एक पूरा जो आप भविष्य का ड्रीम है कि किस प्रकार से मेरी मतलब ज्वाइनिंग होगी, किस प्रकार से मैं मतलब उस बिजली विभाग में काम करूंगा, ठीक है। और आपको लोगों का जो कॉल है वो भी आने शुरू हो गए कि सी पी सिंह जी आपका इसमें बिजली विभाग में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आपके लिए एक मतलब अहम अनुभव था, एक अपनी लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव था सर। इसके बाद में मेरा आपसे सवाल यह रहेगा कि मैंने सुना है कि आप बिजली विभाग में काम करते थे तो आपका काम थोड़ा रिस्क का होता है कि खंभों पे चढ़ना, वायरिंग को जोड़ना, ठीक है ना, और लाइट की मशीनों के साथ में दिन भर आप उनके साथ में जो हाथ पैर चलाना, ठीक है। तो जब एक बार कोई सगाई वाला आया और आपसे पूछा कि किस विभाग में नौकरी करते हो, तो आपने बताया कि बिजली विभाग में, तो उन्होंने कहा कि नहीं कि बिजली विभाग में ये नौकरी कर रहे हैं तो हम अपनी लड़की नहीं देंगे, क्योंकि के बिजली विभाग में काम करने वाले का कोई भरोसा नहीं कब करंट लग जाए और कब आदमी चला जाए। तो ये सच बात है सर क्या? बिल्कुल ये सत्य बात है। मैं जब बिजली विभाग में लगा था तो बिजली विभाग में काम यही होता है, जैसे अपन खंभों पर चढ़ना है, वायरिंग करना है, लाइट चालू करना, बंद करना, ये मुझे सब काम आते थे और मैं करता था। और जब एक रिश्तेदार का फ़ोन आया एक्स्ट्रा करवाएं तो उनसे आप बात करो, तो बात की तो उन्होंने बताया कि आप किस विभाग में, तो मैंने बताया कि मैं बिजली विभाग में हूँ, तो उन्होंने बताया कि बिजली विभाग में तो हम नहीं करेंगे, एक पता क्या पता कि यार कभी ऊपर चले जाओ। बिल्कुल सही सर। आगे तो सर मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि वैसे आप सरकारी नौकर लगे हुए थे सर, तो फिर अभी आप अध्यापक पद पर कार्यरत हो, तो ये टीचर बनने का सपना ये आपके मन में कैसे आया? वैसे आप सरकारी नौकर तो पहले से थे। बिल्कुल, ये तो सपना इसलिए आया था कि जो लोगों ने ताने मारे थे ना, छोटे पद पर है, हेल्पर लगा हुआ है, तो ये ताने दिए ना, उन्हीं की वजह से मैं आगे तैयारी करने के लिए। तो एक साल तो मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी कि यार बिजली विभाग में लग गया अब तो एंजॉय करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे अपन अनुभव आते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, तो मतलब तैयारी करने का जुनून अपने आप आ गया था। मतलब आपको आपके रिश्तेदारों की वो भी बात चुभी होगी कि बिजली विभाग में हम लड़की नहीं देंगे, तो उस घटना ने भी आपको मोटिवेट किया सर? इस घटना ने तो मुझे बहुत मोटिवेट किया था और मैंने ये प्रण ले लिया था कि जब तक मैं टीचर नहीं बनूंगा तब तक मैं रिश्ता नहीं करूंगा, और मैंने जो लोगों के ताने हैं उसी वजह से इसमें तैयारी आगे शुरू की थी। सर बिजली विभाग में तो काम भी बहुत सारा रहता है, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, ठीक है। तो फिर आपने बिजली विभाग में मतलब वर्क करते हुए, ठीक है ना, साथ में जो आपके अध्यापक की भर्ती की तैयारी है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज किया होगा आखिर? वो तो देखो बिजली विभाग में तो जैसे मैं बिजली घर में कार्यरत था, वहाँ पर लाइटें जोड़ना, चालू करना, बंद करना, गांव में जाना, रीडिंग लेना, घर घर जाना, ये सब काम होते थे, लेकिन मैं रात को इसको मैनेज करता था। जैसे शाम को अपन 8-9 बजे खाना खाने के बाद में रात को मैं 1-2 बजे, ये मेरा डेली रूटीन था और मैं शाम को तैयारी करता था। अच्छा, बिजली विभाग में मतलब दिन को काम करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजली विभाग में रात को कॉल आ गई कि वहाँ पे एक खंभे का वायर है टूट गया है या खंभा नीचे गिर गया है, तो तब भी आपको जाना पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती सर? बिल्कुल, रात को भी ऐसे भी कभी 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 11 बजे भी जाना पड़ता था, 8 बजे राम रात के समय में भी हम जाते थे, लेकिन साथ में वो पढ़ाई वाला जुनून था कि यार टीचर बनना है तो तैयारी तो करनी होगी, संकट तो आएंगे जिंदगी के अंदर। अब आप मतलब टीचर बन चुके हो, ठीक है, तो टीचर बनने के बाद में सर कितने रिश्ते आए? टीचर बनने के बाद में तो बहुत रिश्ते आए हैं,
लेकिन मैंने घर वालों को ये बोला था कि मैं अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ और उसके बाद में जैसे ही मैं अध्यापक लगूँगा उसके बाद में आप जहाँ बोलोगे वहाँ मैं रिश्ता कर दूँगा। तो सर अभी तय हुआ है रिश्ता आपका? हाँ रिश्ता तय है। तय हो गया है? हाँ। तो सर कब है शादी का प्लान? शादी का तो प्लान मैं अभी थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ और तो थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग एक साल। अच्छा एक साल। सर हम भी आपके आशावान है कि आपकी शादी में डीजे के साथ और बैंड बाजों के साथ में हम भी थोड़ा झूमे नाचे गाए और ईश्वर से आपकी दुआ करते हैं कि मंगल में आपकी शादी होगी। सर अब थोड़ा हम रीट के मैटर पे आते हैं। सर आपने रीट की तैयारी की मतलब बिजली विभाग में रहते हुए, ठीक है सर, तो उसमें कोई आपने उसमें तो आपने कोचिंग ली नहीं होगी सर? नहीं रीड की मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोचिंग मैंने पटवारी भर्ती की ली थी, प्री की भी की थी और मेंस की भी कोचिंग की थी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जो उसका अनुभव है वो मुझे बहुत हुआ था कि पढ़ाई कैसे करनी है और उनको किस तरीके से अपन नोट्स बना सकते हैं, ये मैंने कोचिंग से सीखा था। लेकिन उसके आगे मैंने जो रीड की तैयारी की थी तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। सर आपके कहने का तात्पर्य है कि मतलब एक जो आपकी भर्ती की आई परीक्षा की गई तैयारी, ठीक है ना, उसका अनुभव दूसरी भर्ती में काम आता है? बहुत काम आता है। जैसे मेरा मैं कहूँ ना बिजली विभाग का सिलेक्शन है नहीं, पटवारी में जो मेरी तैयारी थी वो मेरी पूरी तैयारी उसमें काम आ गई थी, इसी वजह से मेरा बिजली विभाग में चयन हुआ था। यदि मैं पटवारी की तैयारी नहीं करता था और कोचिंग नहीं करता था तो मेरा बिजली विभाग में चयन नहीं हो पाता था। सर एक चीज़ नाम आता है नोट्स, तो आपने भी कुछ ऐसे स्पेशल नोट्स पढ़े थे या खुद के सेल्फ मेड नोट्स थे आपके पास? हाँ जब पटवारी की तैयारी करता था तो कोचिंग में जो लिखाते थे उनके मैंने नोट्स बनाए थे और उसके बाद में रीट की भर्ती में मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो मैंने खुद ही बनाए थे, जैसे बुक से ही पढ़े थे, मैंने बुक्स ही पढ़ी थी और उसके बनाए थे शॉर्ट नोट्स। मतलब खुद के नोट्स हैं वो अपने ज़्यादा काम आते हैं मतलब दूसरे नोट्स के मुकाबले में। तो इसमें रीट की तैयारी में आपकी जो बुक होती हैं उनका अहम हिस्सा होता है, तो आप वैसे L2 से हिंदी के अध्यापक हैं, तो आपने हिंदी की कौन कौन सी बुक्स हैं उनको पढ़ा था सर? वैसे हिंदी की तो मैंने, मेरे पास तो राघव प्रकाश की बुक्स भी थी, सिकवाल की भी थी और जो NCERT की जो रचना प्रबोध की बुक्स है वो भी मेरे पास थी, और ज़्यादा बुक्स मैंने नहीं पढ़ी थी, एक दो बुक्स मैंने पढ़ी थी और उसको ही बार बार मैंने पढ़ा था। सर इसमें मतलब जो छठी से लेके दसवीं तक की जो RBSC बुक्स होती हैं उनका कितना रोल है? उनका तो बहुत रोल होता है। जैसे अपन बुक्स पढ़ते हैं ना तो अपन जैसे कोई गाइड लाते हैं, गाइड से पहले यदि अपन छठी से बारहवीं तक जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ लेते हैं तो वर्तमान में चलती है हमारा राजस्थान चलती है वो बुक्स भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अपन को ज्ञान हो जाता है। सर इसमें जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है उसका भी एक अहम रोल है सर, तो साइकोलॉजी के लिए आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं या आपने मतलब यूट्यूब पे स्पेशल वीडियो देखे हैं? साइकोलॉजी के लिए मैंने तो एक तो पढ़ी थी कलाम एकेडमी की बुक्स है वो पढ़ी थी और दूसरी पढ़ी थी धीर सिंह की बुक पढ़ी थी, मैंने दो बुक्स पढ़ी थी, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी और उनके ही नोट्स बनाए थे। जी सर जी सर। तो सर अब आपने दो भर्तियां पार करके आप मतलब बिजली विभाग में पहले सर्विस किया करते थे और अब अध्यापक, तो अध्यापक बनकर आपको सर कैसा फील हो रहा है? अध्यापक बनकर तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून है। डेली स्कूल जाना मेरा एक ही नियम है कि मैं हमेशा टाइम पर विद्यालय जाता हूँ, ये मेरा सबसे पहले काम होता है, मैं किसी प्रकार की देरी नहीं करता हूँ और हमेशा बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है और जितना होता है तो मैं मतलब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से होता है। तो बिल्कुल सर, तो अभी आप अध्यापक हो और तो आगे भी कुछ इससे भी बड़ी जो आपके नौकरी हैं आप लेने का इरादा है आपका? देखो सर टीचर तो बन गए हैं, साथ में मेरी स्टडी भी चल रही है और आगे भी हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद CP सिंह जी। अंत में आप हमारे दर्शकों को, ठीक है, ज्ञानदीप, वैसा कि मैं आपको बता दूं शुरू में मैंने नहीं बता पाया कि जो हमारा ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल है इनके संस्थापक CP सिंह जी हैं, ठीक है, और ये चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है आप सब जो साथियों की वजह से, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। CP सिंह जी जानना चाहूँगा कि अंत में आप दर्शकों को तैयारी के लिए क्या गाइड करना चाहेंगे?
मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा डेली पढ़ते रहे, यानी कंटिन्यूटी का पढ़ाई में बहुत रोल होता है। और एक होती बात होती है हालात, परिस्थितियाँ सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन परिस्थितियों को गुजरते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल सही सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सिंह जी। तो किसी ने कहा भी है ना कि जमीन पर बैठकर तू क्या आसमान को देखता है, कि हे इंसान जमीन पर बैठकर तू क्यों आसमान को देखता है, अपने परों को खोल दे, अपने परों को खोल दे, जमाना तो सिर्फ उड़ान को देखता है, जमाना तो सिर्फ उड़ान को देखता है। तो आप सीपी जी के बताए हुए रूल्स, हालातों से लड़ते हुए कितनी भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, उनसे लड़के आपको आगे बढ़ना है। जमाना सिर्फ उड़ान देखेगा कि आप किस तरह उड़े और उससे पहले आपने क्या क्या संघर्ष किया, ये जमाना नहीं देखता है। तो आप आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ में मैं कवि व अध्यापक विजय डी गोयल आपसे विदा लेता हूँ। मिलते रहेंगे, ज्ञान का दीप आगे बढ़ाएंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।